वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। हम आ चुके और एक न्यू वीडियो के साथ के लाइटरूम के अंदर आप इस तरह का कलर फिल्टर जो आपने थंबनेल पर देखा होगा उस तरह का कैसे एडिट करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको सिर्फ वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखना है, कोई भी स्किप मत करना। और लाइटरूम के अंदर मैं ऐसे 4 ट्रिक बताऊंगा जो आपको बहुत काम आएगा और आपको यूजफुल होगा लाइटरूम के अंदर, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हो, ठीक है, तो आप उसको पहले देख लो। ऐसे तैसे करवा रहा था कि हमने इंडिया से चाइना के सारी एप्लीकेशन बैन करवा दी। टिकटॉक वाली लड़कियां क्या करेंगी? अरे कुछ नहीं करेंगी, घर पे डांस करेंगी और क्या, बस वीडियो नहीं बनाएंगी, बनाएंगी तो टिकटॉक पे नहीं बनाएंगी। बुरा लगा मेरे दी को, तो लड़कियों बात दिल पे मत लो, ठीक है। और जो इस चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, और वीडियो पसंद है तो लाइक करना। तो चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। और इसका प्रो वर्जन चाहते हो तो मुझे इंस्टा पर डीएम करो, मैं इसका प्रो वर्जन दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो एडिट करने से पहले मैं आपको लाइट रूम के अंदर 4 ट्रिक बताऊंगा जो आपको बहुत काम आएगा और यूजफुल होगा, ठीक है। पहला जो ट्रिक है वो आपको क्या करना है, इधर 3 डॉट पे आना है आपको, ठीक है। 3 डॉट पे आने के बाद आप देख पाओगे 2 नंबर पर प्रेफरेंस का एक ऑप्शन है, ठीक है। और इसको आप देख पाओगे एनाबल ऑटो ऐड का ऑप्शन आएगा, इसको आपको सिंपली ऑफ होगा, इसको आपको ऑन कर देना है। और ऑन करने के बाद यहाँ पर RAWS, इसको भी आपको सिंपली क्या करना है, इसको भी ऑन कर देना है। और ऑन करने के बाद ऐसा होगा क्या, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको बैक आना है, अगर आप यहाँ से फोटो इंप्रूट करते हो ना इधर से, तो फोटो इंप्रूट करने के बाद जो भी आपका रॉ फाइल या प्रीसेट होगा वो आपका गैलरी फाइल का टॉप में से होगा। ये रॉ फाइल है और ये आपका प्रीसेट है, ठीक है। और दूसरा जो ट्रिक है बहुत खास है, आपको क्या करना है, इधर डिस्कवर पे आ जाना है, ठीक है। और डिस्कवर पे आने के बाद पहले आपको क्या करना है, फ़ोन का डाटा कलेक्शन ऑन कर लेना है, ठीक है। अगर आप ऑन करोगे यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देख पाओगे कैटेगरी का, ठीक है। यहाँ बहुत सारा कैटेगरी है, तो आप यहाँ इधर से कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेरा डाटा कनेक्शन क्यों नहीं आ रहा है, तो आपको इधर से रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। और रिफ्रेश करने के बाद आप देख पा रहे हो बहुत सारा फोटो आ गया इधर। मान लो मुझे कोई भी एक कलर टून पसंद आ गया या कोई भी कलर फिल्टर पसंद आ गया, मैं उसको दूसरे फोटो में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो मुझे एक कलर टून बहुत पसंद आ गया, मैं चाहता हूँ मेरा दूसरा फोटो पे अप्लाई करना, तो बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको क्या करना है, सिंपली 3 डॉट पे जाना है, और 3 डॉट पे जाकर ओपन इन एडिट का एक ऑप्शन आएगा, इसको पे टैप कर देना। उसके बाद आपको 3 डॉट पे जाना है, और इसके बाद आपको क्या करना है, कॉपी सेटिंग कर लेना है, ठीक है। और इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, तो इस कॉपी हो गया, ठीक है। तो कॉपी होने के बाद इसके बैक आते हैं, ठीक है। तो बैक आने के बाद मैं कोई भी मेरा दूसरा फोटो भी इसको आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ कि कॉपी हुआ या प्रीसेट हुआ या नहीं, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, तो और 3 डॉट पे आने के बाद यहाँ पर पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने जो कलर टोन कॉपी किया था यहाँ पर मेरा फोटो में अप्लाई हो चुका है। अगर आप चाहते हो इस पर थोड़ा एडजस्ट करना है, कलर पर आके इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका सेचुरेशन बहुत हाई होगा, इसको सेचुरेशन में थोड़ा इसको कम कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से कोई भी प्रीसेट या अप्लाई कर सकते हो अपने फ़ोटो में, ठीक है। और जो तीसरा जो मेथड है बहुत खास है, जो लोग लाइटरूम के अंदर न्यू हो उन लोगों को पता नहीं भाई सेचुरेशन से क्या होता है, और बहुत सारे ऑप्शन है वाइब्रेंस से क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है मिक्स पे क्या होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इधर पर आप देख पाओगे क्वेश्चन मार्क का एक ऑप्शन है, इधर पर आपको टैप करना है, और टैप करने के बाद आप बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको सेचुरेशन पे दिखा रहा हूँ, और सेचुरेशन पे ऐसा होता है क्या कि आपको क्या करना है, आप जो भी स्विच करना चाहते हो या कोई भी आपको पता नहीं वाइब्रेंस से क्या होता है, कलर मिक्स से क्या होता है, तो आपको इधर से सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको सोमी पे टैप करना है। जैसे आप सोमी पे टैप करोगे तो आपका सेचुरेशन का ऑप्शन दिखाएगा किधर पर है, और सेचुरेशन इंक्रीज करने पर क्या होता है और डिक्रीज करने पर क्या होता है आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो अब इस तरह से कोई भी स्विच का काम देख पाओगे, कौन स्विच का कैसा काम है, ठीक है। जो लास्ट मेथड है बहुत खास है, ठीक है, तो आपको इसको मैं बैक कर देता हूँ। जो लास्ट मेथड है, आप मान लो कोई फ़ोटो आप एडिट कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो, और अगर आप चाहते हो अपना लोगो ऐड करना या आपका नाम ऐड करना वाटर मार्क, तो आपको सिंपली क्या करना है, इधर पर भी फ़ोटो को एक्सपोर्ट कर लेना है, और एक्सपोर्ट करने के बाद आप देख पा रहे हो
यहाँ पर ऑटोमार्क एक ऑप्शन आएगा, इसको आपको सिंपली क्या करना है, एनेबल करना है। और एनेबल करने का कस्टमाइज का ऑप्शन है, इधर से आप अपना नाम लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और इधर से आप बहुत सारा ऑप्शन है, इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा हो गया, ठीक है। और आते हैं मुद्दे की बात पे कि फ़ोटो एडिट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको हम इसको बैक करते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, ठीक है। आप चेक करोगे तो वहाँ पर एक रॉ फाइल होगा या प्रीसेट बोल सकते हो, इसको आपको सिंपली क्या करना है, ये मेरा रॉ फाइल है, प्रीसेट है, इसको सिंपली क्या करना है, थ्री डॉट पे जाना है। और इसका जो कॉपी सेटिंग है इसको सिंपली क्या करना है, टूल्स में जाना है, उसके बाद इसको क्रॉप को छोड़कर बाकी सबको कॉपी कर लेना है। तो मैंने कॉपी कर चुका हूँ। उसके बाद आप जो फोटो पे अप्लाई करना चाहते हो उस फोटो को भी आप यहाँ से ऐड कर लेना है लाइटरूम के अंदर, ठीक है। तो मैंने फोटो ऐड कर चुका हूँ। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, फिर से थ्री डॉट पे जाना है, और थ्री डॉट पे जाने के बाद पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन आ गया, इसको आपको सिंपली क्या करना है, फोटो पर पेस्ट कर देना है। अगर आप चाहते हो इसके कलर थोड़ा और भी चेंज करना, टीम या टीन को आप यहाँ दे एडजस्ट कर सकते हो। मैं फिलहाल एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर एडजस्ट करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और आप यहाँ से इसको फोटो को यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम का इश्यू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। तो तब तक मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।